Luxe Institute of Technology is the which provides quality education with the guidance of Sushant sir. For more information, please visit to Luxe Institute of Technology, M4x46, Acharya Vihar, Bhubaneswar. और वहाँ पर उस इंटरव्यूअर पैनल के चार डिग्निटरीज थे, उन्होंने हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे एंड दिस यंग मैन वाज वेरी कॉन्फिडेंट. उसने बहुत कॉन्फिडेंस से बहुत प्रॉम्प्ट होकर के एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर दिया. इतना अच्छा आंसर दिया कि जो उसका रेज्यूम था उससे उसकी एबिलिटी, उसकी क्वालिटीज इंटरव्यू पैनल को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. लेकिन फिर भी बिफोर मेकिंग द फाइनल सिलेक्शन उन्होंने कहा कि हम एक बार एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और अगर ये क्वेश्चन आप पास कर गए सो देन यू आर आवर सिलेक्टेड कैंडिडेट. तो कहते हैं यस सर, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ. तो वो इंटरव्यू पैनल में से एक सर उनसे पूछते हैं, मान लीजिए आप एक शिप पर राइड कर रहे हैं एंड यू आर राइडिंग रफ शोर्स, उस समय पर बहुत तेज तूफान आता है, तो इतना तेज तूफान आ जाता और आप शिप पर हैं तो आप क्या करेंगे? सो दिस यंग मैन बहुत कामली बोलता है, आई विल ड्रॉप एन एंकर. तो इतना कूलली और इतना कॉन्फिडेंस से वो बोलता है. तो दूसरा इंटरव्यूअर पूछता है, सपोज आप एक और बहुत ज़ोर से तूफान आ जाता तब क्या करेंगे? सो आई विल ड्रॉप अनदर एंकर. तो पूछता है और एक तूफान आ जाए तो क्या करेंगे? कहते हैं आई विल ड्रॉप अनदर एंकर. तो पूछते इतने सारे एंकर्स आप कहाँ से लेकर आओगे? तो यंग मैन कहता है वहीं से सर, जहाँ से आप सारे तूफान लेकर आए हैं. Luxe Institute of Technology is the which provides quality education with the guidance of Sushant sir. For more information, please visit to Luxe Institute of Technology, M4x46, Acharya Vihar, Bhubaneswar. Good afternoon. Om Shanti. What a vibrant greeting. Om Shanti ka jo meaning hai, wo hai greetings of peace. और हम समझ रहे हैं कि आप सब इतने यंग हैं, एंथुजियास्टिक हैं, तो आप अपनी फुल एनर्जी के साथ ग्रीट बैक कर रहे हैं. सो वेरी थैंक यू टू यू फॉर दैट ऑल्सो. अब आज जब भाई बता रहे थे ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअलिटी, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कि हमारे लिए नहीं है? क्या हम समझते हैं स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या हम समझते हैं इट्स ओके? क्या कहेंगे, इट्स ओके और इट्स नॉट रिक्वायर्ड? अभी तो हमारे पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, एक्सेस है, कुछ भी है. आस्क गूगल, ओके गूगल. हाँ, तो मेडिटेशन की ज़रूरत है या नहीं है? श्योर? या हाँ, शांति नहीं है? देखो पीछे से कोई सच बता रहे हैं हम कि पीस एक्सपीरियंस ऑफ पीस नहीं है. और क्या ऐसा पीस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? यस. सो सबसे पहले एट द ऑनसेट में ये आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी ब्रह्मा कुमारीज में हम सीखते हैं एंड ऑब्वियसली औरों से शेयर करते हैं, जिसको गॉड सिखाना कहा जाता, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल और ये हम सभी के लिए डे टू डे लाइफ में ज़रूरी बातें हैं. ऐसा नहीं है कि हम यंग हैं तो हमें स्पिरिचुअलिटी की कोई आवश्यकता नहीं है. इनफैक्ट अगर आप अभी से मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, स्पिरिचुअल बेसिस पर अपने थॉट्स को गाइड करने का जो आर्ट है वो आप अगर अभी से ही सीख लेते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग एसेट फॉर यू जब आप अपना करियर बनाते हैं, जब आप अपने प्रोफेशन में एंटर करते हैं. बिकॉज लाइफ बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, अप्स एंड डाउन्स लेकर आते हैं, लेकिन हमें अपने आप को इक्विप करना होता उन चैलेंजेस को, उन अप्स एंड डाउन्स को फेस करने के लिए. और ऐसे समय पर व्हेन वी आर कॉन्फ्रंटेड बाय अ चैलेंज, ऐसे समय पर और कोई बात हमको मदद नहीं कर सकती जितना हमारे अपने ही मन की शक्ति हमको मदद करती है. एक बहुत अच्छा आंसर दिया, इतना अच्छा आंसर दिया कि जो उसका रेज्यूम था उससे उसकी एबिलिटी, उसकी क्वालिटीज इंटरव्यू पैनल को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. लेकिन फिर भी बिफोर मेकिंग द फाइनल सिलेक्शन
उन्होंने कहा कि हम एक बार एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और अगर ये क्वेश्चन आप पास कर गए सो देन यू आर आवर सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो कहते हैं यस सर, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। तो वो इंटरव्यू पैनल में से एक सर उनसे पूछते हैं, मान लीजिए आप एक शिप पर राइड कर रहे हैं एंड यू आर राइडिंग रफ शोर्स, उस समय पर बहुत तेज तूफान आता है, तो इतना तेज तूफान आ जाता है और आप शिप पर हैं तो आप क्या करेंगे? सो दिस यंग मैन बहुत कामली बोलता है, आई विल ड्रॉप एन एंकर। तो इतना कूलली और इतना कॉन्फिडेंस से वो बोलता है। तो दूसरा इंटरव्यूअर पूछता है, सपोज आप एक और बहुत ज़ोर से तूफान आ जाता तब क्या करेंगे? सो आई विल ड्रॉप अनदर एंकर। तो पूछता है और एक तूफान आ जाए तो क्या करें? कहता है आई विल ड्रॉप अनदर एंकर। तो पूछते इतने सारे एंकर्स आप कहाँ से लेकर आओगे? तो यंग मैन कहता है वहीं से सर, जहाँ से आप सारे तूफान लेकर आ गए हैं। सर, लाइफ की जो चैलेंजेस हैं, लाइफ की चैलेंजेस से हमें डरना नहीं है। एक्चुअली हमारे जीवन में जो भी चैलेंज आती है ये हमें ग्रो करने के लिए, हमारी क्षमताओं को, हमारे पोटेंशियल को डिवेलप करने के लिए आती है, ना कि हमें डिफीट करने के लिए। और ऐसा कोई भी इस संसार में नहीं होगा जिसके जीवन में कोई भी चैलेंज ना आई हो। हमने शायद सक्सेस स्टोरीज पढ़ी होगी और सक्सेस स्टोरीज पढ़ करके हमें लगे अच्छा सो एंड सो पर्सन उसने इतना सक्सेस प्राप्त किया, उनका सक्सेस विजिबल है, उस सक्सेसफुल पेडेस्टल पर पहुंचकर उनका जो हर्ष है वो हर्ष विजिबल है, लेकिन उसके पीछे जो उनका संघर्ष रहा वो संघर्ष शायद भी विजिबल होता। और ऐसे जब लाइफ में चैलेंजेस आती हैं तो उसको कोप करने के लिए हमें क्या चाहिए? उस समय पर सिर्फ टेक्नोलॉजी या उस समय पर सिर्फ फिजिकली या एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हमको हेल्प नहीं करती है। जब लाइफ में चैलेंजेस आती है तो उस समय पर थियोरी को प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिकल में ले आने की जो हमारी एबिलिटी है वो एबिलिटी, दैट एबिलिटी इज गुड टू बी टेस्ट। और इसीलिए हो सकता है कि स्कोर शीट्स पर किसी ने मार्क्स प्राप्त किए हो, लेकिन जब लाइफ की चैलेंजेस आती है तो लाइफ की चैलेंजेस में प्रोग्रेस करने वालों की स्कोर शीट पर और ही लुक कर जाते हैं प्रोग्रेस। सो एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट है, इस एज में हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए एकेडमिक्स पर, फोकस करना चाहिए कि कैसे हम अपना कार्य स्टडी कर रहे हैं और हमें अपना करियर बनाना है। बट ओनली एकेडमिक्स, ओनली स्टडीज, ओनली अ गुड स्कोर कार्ड और स्कोर शीट ये गारंटी नहीं करता कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को, माइंड सेट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएं। और जैसे फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकली हमको स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसी प्रकार से जो मेडिटेशन हम प्रैक्टिस करते हैं ये मेडिटेशन हमारे माइंड की एक्सरसाइज है जो हमारे माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमने कुछ समय पहले भी एक ग्रुप ऑफ यूथ को हम एड्रेस कर रहे थे और उस ग्रुप ऑफ यूथ को हमने चार क्वेश्चंस पूछे, माना एक क्वेश्चन पूछा, मल्टीपल चॉइस था जिसमें चार ऑप्शंस थे। उस ग्रुप से ये पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है और उनके आंसर के लिए चार ऑप्शंस थे। चारों ऑप्शंस तो मुझे इस समय याद नहीं है, बट आई रिमेंबर द आंसर विच रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम द यूथ प्रेजेंट ओवर देयर। और वो ऑप्शन ये था, एक ही जगह पर शांत होकर बैठे रहना हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड इट वॉज नॉट कि आपको कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फिजिकल पोस्चर में बिठाया जाए जो आपको डिफिकल्ट लगे। इट वॉज जस्ट कि क्यों डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि हमने अपने माइंड को वो पॉज देने की जो आर्ट है उस आर्ट पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। आज मान लीजिए आप सभी फोन यूज़ करते, सिंपल फोन नहीं यूज करते होंगे, स्मार्टफोन यूज करते, राइट? स्मार्ट यूथ ऑफ अ स्मार्ट सिटी विल ओनली यूज
यस इस और स्मार्टफोन्स को अपना प्राइड महसूस करते हैं कि हम स्मार्टफोन्स यूज करें। आपको अगर कहे कि आपको एक दिन फोन यूज नहीं करना, खत्म, देखो क्या वर्ड्स है, क्या एक्सप्रेशंस है, क्या बॉडी लैंग्वेज के क्या जेस्चर्स आ रहे हैं, ओ नो, और कुछ भी बोल दो, लेकिन फोन बंद करने की बात बंद करो। थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को चेक करें, कर सकते नहीं कर सकते, कोई लोग थोड़ा आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं कि नहीं नहीं उसमें क्या बड़ी बात है, कर सकते हैं। हाँ, जैसे हर चीज का फास्ट रखते हैं ना बीच बीच में, हेल्थ के लिए भी कहते हैं वंस इन अ वीक, वंस इन 15 डेज, एक दिन फास्ट रखते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। ऑलरेडी आई सी सम पीपल ऑलरेडी लुकिंग इन टू देयर फोन, कहीं फोन ले तो नहीं लेंगे, डोंट वरी। अभी आप अपने फोन को अभी तो फिलहाल रेस्ट दे सकते हैं। हमारे माइंड को जैसे बॉडी को रेस्ट चाहिए, बॉडी को स्लीप चाहिए, बॉडी को आराम चाहिए समय पर, इसी प्रकार से हमारे माइंड को भी बीच बीच में पॉज चाहिए, जिसको साइलेंस ब्रेक्स कहा जाता है। और आजकल की ये हमारी ये जो जनरेशन है, बिकॉज मैं नहीं यूज द स्मार्टफोन, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी मैं नहीं यूज करती, मैं स्मार्टफोन यूज करती हूँ अच्छी तरह से, इसकी जो भी एबिलिटीज हैं वो मैं इसके सारे पोटेंशियल को भी यूज करती हूँ। अभी भी यहाँ क्लॉक नहीं था, आई पुट अप अ क्लॉक ऑन द फोन टू यूज द फोन एज अ वॉच, एज अ क्लॉक, डिस्प्ले, हर चीज के लिए यूज करते हैं। इट्स नॉट अबाउट नॉट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो मैं आज मंच से आपको मैसेज दे रही हूँ, लेकिन मैसेज में ये दे रही हूँ कि हमारे माइंड को जैसे बॉडी को स्लीप चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए, इसी प्रकार से हमारे माइंड को भी बीच बीच में पॉज चाहिए, साइलेंस चाहिए। और एक समय था जब हमारे जीवन में स्मार्टफोन्स नहीं थे, मे बी गो बैक टू द जनरेशन ऑफ योर पेरेंट्स, कि जब वो युग थे और स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो बीच बीच में जब हम कुछ नहीं कर रहे, जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रैवल कर रहे हैं, तो बीच बीच में उनको वो माइंड को फ्रीडम मिल जाती थी, इट्स नॉट डेड साइलेंस, लेकिन माइंड उस समय वो फ्री स्पेस प्राप्त करता था जहाँ पर क्रिएटिविटी के लिए स्थान था। और आज के यूथ की अगर हम लाइफ देखते हैं, जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिला इमीजिएटली क्या करेंगे, इमीजिएटली क्या करेंगे, हाँ चलो मैसेज देख लेते हैं, कोई मैसेज तो नहीं है, कोई सोशल मीडिया पर अपडेट्स तो नहीं है, फेसबुक पर मैंने पोस्ट डाला था उस पर कोई कमेंट्स तो नहीं है, शेयर करना है नहीं करना है, लाइक्स मिले हैं या डिसलाइक्स मिले हैं, दैट इज अनदर बिग चैप्टर। मेरे पोस्ट को कितने लाइक्स मिले, कितने डिसलाइक्स मिले, कितने शेयर किए, एंड हम अपनी आइडेंटिटी को उसी पर लिमिट कर देते हैं। इन द प्रोसेस फ्रेंड्स, हम ये नहीं रियलाइज करते हैं कि जो मेरे माइंड को वो साइलेंट पॉज चाहिए थे, जो साइलेंस की ब्रेक्स चाहिए थी, मैं अपने माइंड को उन फ्रीडम ब्रेक्स से डिप्राइव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर माइंड का फोकस करने की जो एबिलिटी है, माइंड को क्रिएटिव बने रहने की जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी को ही हम खत्म कर रहे हैं, बिकॉज वी आर सो ओवर डिपेंडेंट ऑन दीज गैजेट्स। और ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, मैं जानती हूँ आजकल की एज में, एंड आई कम टू एन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और मैं खुद भी मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी के बिना आज के दुनिया में फंक्शन करना मुश्किल है, पर मैं ये भी उतना ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि वी आर दी ओनर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, द यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट द स्लेव्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आज अगर एक छोटा सा गैजेट मुझे अपना टाइम, मुझसे अपना टाइम चुरा लेता है, मुझसे अपनी नींद चुरा लेता है, मुझसे अपनी साइलेंस चुरा लेता है, वो मुझे स्वीकार नहीं है। यस, जब मुझे ज़रूरत हो मेरे लिए कम्युनिकेशन का मीन्स बनकर
चाहिए, आई डोंट वॉन्ट इट टू बिकम माई ओन मास्टर. क्या आप पसंद करेंगे एक छोटा सा गैजेट आपका मास्टर बन जाए? पसंद करेंगे? और इसके लिए जरूरत है अलर्ट होने की, इसके लिए जरूरत है अवेयर होने की, इसके लिए जरूरत है मन को वो ब्रेक देने की कि जो सामान्यतः हम नहीं देते हैं. मैं कुछ दिन पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ रही थी एंड आई वाज सरप्राइज्ड. स्टैटिस्टिक्स कुछ इस प्रकार से थे, एवरेज यूथ मैं आपको देख रही हूँ, यूथ जनरेशन है और वो रिसेंटली रीड किया इसीलिए जस्ट फ्लैशिंग अक्रॉस माय माइंड. आजकल के यूथ एवरेज पर मंथ बेड पर से 3,500 टेक्स्ट्स पर मंथ यूथ भेजते हैं. 3,500 मैसेजेस व्हाइल वी आर ऑन दी बेड. रात को सोने से पहले एक प्यारा सा दोस्त हाथ में होता और सोने से पहले कितने सारे टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं. फिर पता है कई कहते हैं मुझे रात को देर तक नींद नहीं आती. आप में से किसी को ऐसे होता होता रात को देर तक नींद ना आए? इसके पीछे एक फिजियोलॉजिकल रीजन है फ्रेंड्स. अगर नहीं होता वेरी गुड, अगर होता है टेक केयर. क्या कारण है? फिजियोलॉजिकल कारण है कि जब हमारी आंखें इस स्क्रीन की ब्राइटनेस को एक्सपोज होती है तो ब्रेन को पता नहीं चलता कि इट इज टाइम टू बी डार्क. क्योंकि आंखें जब लाइट को एक्सपोज है तो ब्रेन को मैसेज नहीं जाता कि अभी डिम लाइट हो चुकी है, आंखों के सामने फुल रोशनी है. और इसीलिए स्लीप को एड करने वाला एक हार्मोन ब्रेन रिलीज करता जिसका नाम है मेलाटोनिन. और अगर हम सोने से पहले अपनी आंखों को फोन्स पर, स्क्रीन्स पर, टैबलेट्स पर फोकस रखते हैं तो आंखों के सामने ब्राइटनेस होने की वजह से ब्रेन को हार्मोन रिलीज नहीं करता और इसीलिए नींद नहीं आती. और फिर कहने वाले कहते हैं क्यों फोन यूज कर रहे थे? क्योंकि नींद नहीं आ रही थी इसीलिए कर रहे थे. पर नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस हमने अपने आप को, अपने ब्रेन को मैसेज नहीं दिया कि ये अभी उजाला कम हो रहा है और सोने का समय हमारा हो चुका है. तो ये एक विशेष साइकिल बन जाता है फ्रेंड्स की, जिस विशेष साइकिल से फिर बाहर आना मुश्किल होता है. और इसीलिए हम आज आपके पास आए कि बेटर लेट, अगर लेट भी हो चुका है तो और देर नहीं करनी है. लेकिन हमें अपनी लाइफ को संभालना है, सिर्फ अपनी लाइफ को ही नहीं अपने करियर को भी हमें संभालना है. क्या हमारी अपनी आइडेंटिटी उस बात पर डिपेंडेंट है कि मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया? कोई चीज आपको पसंद आती है वो आपकी अपनी पसंद है, जरूरी है कि लोगों को भी उसको पसंद करना चाहिए? इज इट नेसेसरी कि आपको जो पसंद हो वो दूसरों को भी पसंद हो? फिर हम क्यों डिपेंडेंट रहते हैं कि मैंने जो पोस्ट की है उसको इतनी ज्यादा लाइक्स मिलनी चाहिए? और फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस बनाए, उस दिन जो पोस्ट की उसको इतनी लाइक्स मिली, आज जो पोस्ट किया उसको एक्स लाइक्स पहले पोस्ट को मिली, अब इस पोस्ट को 10x लाइक्स मिलनी चाहिए. फ्रेंड के पोस्ट को इतना मिला, मेरे पोस्ट को वेयर आर वी? अपनी आइडेंटिटी, हम एक बहुत पावरफुल एंटिटी है. हमारी अपनी जबरदस्त कैपेबिलिटीज हैं. हमारी एबिलिटी को, हमारे पोटेंशियल को, हमारे टैलेंट को अगर हम केवल किसी की लाइक्स और डिसलाइक्स पर डिपेंडेंट कर देते हैं तो क्या हम जीवन में फ्लरिश हो सकेंगे? इट इज टाइम टू टेक गार्ड.
इट इज टाइम टू बी अवेयर. यूज भी करना है लेकिन इस यूज से हमको अपने आप को सेफ भी रखना है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ये ओवर यूज की ओर चला जाता तो फिजियोलॉजिकली सोशियली भी. क्या आप में से कभी किसी ने ऐसे किया है एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हो और एक दूसरे को टेक्स्ट भेजा है, एक ही कार में ट्रैवल कर रहे हो और एक दूसरे को टेक्स्ट भेजा है, क्लासरूम में एक ही बेंच पे आगे पीछे बैठे हैं एक दूसरे को टेक्स्ट भेजा है, शायद अभी भी बहुत सारे टेक्स्ट फ्लोट हो रहे हैं. जहां पर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है तो हमें ये मेथड अपनानी पड़ेगी. लाइक फॉर एग्जांपल ऑफिस कल्चर्स में हम कॉर्पोरेट कल्चर्स में देखते हैं ईमेल थ्रेड्स को मेंटेन करना, ईमेल्स को ट्रैक करना, ईमेल्स के ट्रेलिंग रिकॉर्ड्स रखना ही इम्पॉर्टेंट है. इन दैट कॉन्सेप्ट, इन दैट वर्क पैटर्न जरूर हम एक दूसरे को मैसेजेस फॉरवर्ड करेंगे सो दैट द वर्क कल्चर इज मेंटेन. लेकिन क्या आपको लगता कि मैसेज भेजना और एक दूसरे के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेट करना उन दोनों में एनर्जी लेवल में डिफरेंस है या नहीं है? आज अगर एक व्यक्ति किसी को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है तो एक तरीका है जस्ट एक थैंक यू भेज दो, और एक है जस्ट उस व्यक्ति को फेस टू फेस मिले और हम उनको अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें. शायद शब्द तो फिर भी वही होंगे थैंक यू, लेकिन हम फेस टू फेस मिल करके आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हुए थैंक यू कहते हैं, फर्क है या नहीं? अगर जिनसे हम वॉक अक्रॉस मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं उनको मिलने के लिए, उनको अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए या कोई मैसेज देने के लिए अगर हम फेस टू फेस नहीं मिलते हैं तो हम अपनी एनर्जी एक्सचेंज जो है उसमें अननेसेसरी एलिमेंट, अननेसेसरी ब्लॉक लेकर आते हैं. कभी भी ये टॉक भी, फॉर एग्जांपल कई लोग आजकल स्पिरिचुअलिटी के लिए भी कह देते हैं यूट्यूब है ना, आई बेट यू फ्रेंड्स आज जो ये टॉक है इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लो ए टू जेड मिनट टू मिनट, कल दूसरे क्लासरूम में आप यही वीडियो डिस्प्ले कर दो, जो उस वीडियो से टॉक दिया जाएगा क्या उसका वही इम्पैक्ट होगा कि जो एक स्पीकर सामने खड़ा रहकर डिलीवर कर रहा है? वर्ड टू वर्ड सेकेंड बाय सेकेंड टेक्नोलॉजी कैप्चर कर लेगी, टेक्नोलॉजी रिप्ले कर लेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी वो एनर्जी फ्लो नहीं कर सकती जो एक ह्यूमन बींग के साथ जब इंटरैक्ट करता तब एनर्जी फ्लो होती है. और फिर क्या होता कि लोग टेक्नोलॉजी टूल्स के साथ, अपने गैजेट्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं और अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ समय कम बिताते हैं. कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नियर एंड डियर वंस एक दिन ये चाहे कि हम उनके साथ कॉन्वर्जेशन में ज्यादा टाइम दें और अपने स्मार्टफोन के साथ टाइम कम दें. तो मैं कितना टाइम टेक्नोलॉजी को देता हूँ और कितना टाइम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करता हूँ इस पर भी मुझे एक चेक रखना है, अवेयरनेस रखनी है. और ये सब क्यों करना है? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी कंज्यूम्ड बाई टेक्नोलॉजी जो मेरी अपनी क्रिएशन है. और ऐसा नहीं कि मुश्किल है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है. हमने बड़े बड़े वर्ल्ड नोन कॉर्पोरेट फिगर्स को देखा है कि जो महीने में एक दिन अपने फोन को टच ही नहीं करेंगे, इतने भी मैसेजेस आने हो भले आ जाएंगे. पर आज मेरा फास्ट है क्यों? क्योंकि मेरे माइंड को उस ब्रेक की ज़रूरत है और वो ब्रेक मैंने आज अपने माइंड को दी है. और जैसे हम टेक्नोलॉजी टूल्स में इंटरेस्टेड हैं ऐसे ही हमारे माइंड की जो क्रिएटिव विजुलाइजेशन की पावर है, अगर माइंड की क्रिएटिव विजुलाइजेशन पावर को यूज़ करने का आर्ट हमने जान लिया और सीख लिया
तो टेक्नोलॉजी हमको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। वो मेडिटेशन एक्सपीरियंस जहाँ मैं अपनी माइंड का क्रिएटिव पोटेंशियल को फ्लरिश होने देती हूँ, दैट इज गिविंग मी सच अ डीप एंड ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ऑफ पीस एंड इनर पावर। अब यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, थोड़े समय पहले की ही बात बताती हूँ। मैं बॉम्बे से आती हूँ, दिस इज एन इंसिडेंट फ्रॉम बॉम्बे। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, इट वॉज आफ्टरनून टाइम, मैं लंच ले रही थी। उतने में एक यंग गर्ल विथ हर मदर, यंग गर्ल माना मस्ट बी अ टीनेजर अराउंड 13 इयर्स ऑफ एज, जस्ट 13 टू 14 इयर्स मैक्सिमम उसकी एज होगी, क्योंकि छोटी थी। मैंने ऑफर किया, आप मेरे साथ लंच करोगे? एंड शी सेड नो, मैं आपके साथ लंच नहीं करूँगी। मैंने कहा ठीक है, प्लीज बैठो। वो बैठी अपनी मदर के साथ, लेकिन तुरंत ही उसने अपनी मदर का स्मार्टफोन लिया और उस पर कुछ करने लगी। विद इन टू मिनट्स, लेस देन टू मिनट्स ऑल्सो प्रॉबली, वो मुझे दिखाती है कि देखो मेरे पास भी एक फूड प्लेट है, मेरे पास भी लंच प्लेट है। मैंने कहा अच्छा दिखाओ। वो मेरे नज़दीक आई और दिखाने लगी कि देखो आज मेरी लंच प्लेट पे मेन्यू में यही आइटम्स हैं। सेड गुड, और कहती नहीं आपको कुछ और पसंद हो, विद इन अ मिनट मेरा मेन्यू आइटम मैं चेंज कर सकती हूँ। फिर उसने उस पर फोन पे कुछ कुछ किया, एंड देन देयर वाज अनदर प्लेट, अनदर मेन्यू, अनदर क्यूजीन, और उसने कहा देखो ये है, मैं तीसरा भी कर सकती हूँ। मैंने उससे पूछा लेकिन बेटा जब आपको भूख लगेगी तो क्या इसमें जितने भी मल्टी क्यूजिन्स आपको मिल जाए क्या उससे आपकी भूख मिटेगी? एंड दैट चाइल्ड उस छोटी सी उम्र में उसके पास इसका कोई आंसर नहीं। मैंने उस मदर को भी अलग से बात किया कि एट दिस एज बच्चों को इसमें बिजी नहीं करो। तब उसने भी कहा कि क्या करूं, वो खाना नहीं खाती, वो ऐसा नहीं करती, फोकस होकर बैठती नहीं है, उसको हाथ में मोबाइल दे दिया तो चुपचाप बैठती है। बट आर वी नॉट रिस्किंग द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन? तो इसीलिए ये टूल्स यूज करना एक बात, लेकिन हमें इनको कॉशियसली यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन देना, ये इसकी ज़रूरत है। तो इसीलिए हम छोटे छोटे टिप्स अपना सकते हैं फ्रेंड्स। हम ऐसे टिप्स अपना सकते हैं कि रात को सोने के समय पर जब हम बेड पर जाते हैं तो उस समय पर हमें इस फोन को यूज़ नहीं करना। आपको लगता है कोई इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है, दो मिनट भले आप चेयर पर बैठ जाइए, सोफा पर बैठ जाइए, चेक कर लीजिए, स्कैन थ्रू दी मैसेजेस, अगर इम्पोर्टेंट है आप रिप्लाई दे दीजिए, फिर अपने फोन को पहले गुड नाइट करिए, फिर आप बेड पर जाइए। ये प्रैक्टिस हमको हेल्दी स्लीप के लिए हेल्प करेगी, और हेल्दी स्लीप हमारी ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। इनफैक्ट एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिटेशन हम तो सभी को ये गाइड करते हैं कि सोने से पहले कुछ मिनट मेडिटेशन करके सोए, तो वो जो मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, वो मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड हमारी क्वालिटेटिव स्लीप को एनहेंस करेगी। सो इट इज बेस्ट टू मेडिटेट फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर गोइंग टू बेड, और जब थोड़ा समय हमको मेडिटेशन में बिताना है उस समय पर हमको ये डिस्टर्बेंसेस से अपने आप को सेफ रखना है, और ये चॉइस आपकी अपनी है, कोई आपको ये फोर्स नहीं कर सकता, हम भी आपको गाइड कर सकते हैं। दूसरा, यूज करने के लिए अगर बार बार आदत है देखने की तो आप ट्रैक करो कि नोटिफिकेशंस डाउनलोड करने के लिए इसमें सेटिंग्स होते हैं कि वंस इन 2 आवर्स, वंस इन 3 आवर्स, उतने टाइम पर ही नोटिफिकेशन डाउनलोड हो, और मेरे दिन में भी, मेरे शेड्यूल में भी टाइम फिक्स हो कि मुझे अपने फोन को कब चेक करना है, कौन सा ऐप मेरा कितना टाइम ले रहा है। यू नो टाइम हमारा सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। एक बार टाइम निकल जाता वो भीतर हुआ फल क्या कभी वापस आता?
एक एक मोमेंट को हमें वाइजली इन्वेस्ट करना है अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए। और ये एक एक मोमेंट जो हमको इन्वेस्ट करना है, अगर हम केवल और केवल इन टूल्स में ही डालते हैं, तो फिर हमें कहाँ पर हमारे टाइम को लगाया है। सो द सेकंड इज कि हमारे दिनचर्या में एक पहला तो रात सोने के समय व्हेन आई एम ऑन बेड आई एम अवे फ्रॉम माय फोन। दूसरा कि सारे दिन में भी मैं कुछ कुछ टाइम्स फिक्स कर दूं कि जिस टाइम पर मैं अपने गैजेट्स को यूज करती हूँ। यहाँ तक कि हमने तो रिसेंटली पढ़ा कि कोई कंपनी का कल्चर ही है कि व्हेन यू आर आउट ऑन हॉलीडे यू आर नॉट चेकिंग कंपनी ईमेल्स, ऑफिशियल ईमेल्स आप चेक नहीं करते हैं। और ये उस कंपनी के सक्सेस स्टोरी के पीछे उन्होंने एक रीजन बताया। एंड दे से अगर आप वेकेशन पर जब जाते हैं तब भी अगर अपने कंपनी के ईमेल्स एक्सेस करते हैं और ब्रीदिंग द कंपनी कल्चर, इतना स्ट्रॉन्गली उस कंपनी ने मेंशन किया हुआ था। तो जब कॉर्पोरेट लेवल पर ये हो सकता है तो हमारे लेवल पर क्यों नहीं हो सकता। राइट, वी कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम चेकिंग आवर नोटिफिकेशंस फ्यू टाइम्स अ डे। प्लस हमें अपनी सेल्फ आइडेंटिटी में अपने आप को स्टेबलाइज करना है। मेरी आइडेंटिटी उस पर डिपेंडेंट नहीं है कि जो लोग मेरे बारे में कहते हैं। मेरी आइडेंटिटी वो है कि जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। और अपने लिए एक विजन बनाना है कि मुझे अपनी लाइफ को, मेरे लाइफ के पर्पस को इस ओर ले जाना है। अगर आपसे पूछें आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, क्या कहेंगे? अभी सोचें हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। वी आर यंग बट वी आर नॉट स्मॉल, वी आर यंग। हमारी लाइफ का पर्पस हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। क्या पर्पस है मेरी लाइफ का? बस पढ़ना, लिखना, नौकरी करना, फैमिली सेटल करना, इज दैट पर्पस ऑफ माई लिविंग? क्या मेरी जीवन को मैंने पर्पसफुल बनाया है? क्या मेरे लाइफ को कैसा शेप देना है उसके बारे में मैंने कभी सोचा है? लाइफ का पर्पस, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल तरीके से स्पेंड करना। एंड देखो फ्रेंड्स, लाइफ में बहुत कुछ मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा, मनी मिल जाएगा, ये सब कुछ आएगा भी, ये सब कुछ जाएगा भी। पर मेरी आइडेंटिटी नेम फेम मनी तक मुझे लिमिट नहीं करनी है। मेरे पर्पस को मुझे केवल इस तक, इस डेफिनेशन ऑफ सक्सेस तक लिमिट नहीं करना है। मेरी लाइफ को पर्पसफुल माना, दूसरों के लिए मैं यूजफुल बन सकूं, ऐसे मुझे अपनी लाइफ बनानी है। वेरी अर्ली इन माय स्पिरिचुअल लाइफ मैं एक बैंक के ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल से मिली थी। और उस समय पर उस बैंक में ट्रेनिंग प्रोग्राम था ऑन द टॉपिक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। और बिफोर द टॉक भी मैं उनसे मिली, आफ्टर द टॉक भी उनके साथ मिली। सो जब बिफोर द टॉक उनसे मिली, बिफोर द टॉक ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट मैं उनसे मिली, तो वो मीटिंग बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग रही। बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ का ऐसा एक सक्सेस स्टोरी मुझे नरेट किया कि जो फॉर अ मोमेंट मुझे बिलीव करना ही डिफिकल्ट था। उन्होंने कहा मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, एकेडमिक्स में बहुत मैं ब्राइट था, मुझे स्कूल में भी एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत अच्छे अवार्ड्स मिलते थे, कॉलेज में भी मैं वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स था, मुझे ऐसे मिला, ये प्रमोशन मिला, ये हुआ, मैं एथलेटिक्स में भी बहुत अच्छा था, एजुकेशन के बाद करियर भी मेरा बहुत अच्छा रहा, फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रही, बच्चे भी बहुत अच्छे, वो भी एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे,
वो भी अभी पढ़ाई करके अपने अपने करियर्स में वेल सेटल हो गए हैं। मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, ऐसी उसने ड्रीम स्टोरी जिसको कह सकते हैं वैसी रियलिटी अपनी लाइफ की बताई, और मैं बहुत अमेज्ड थी ऐसी स्टोरी किसी व्यक्ति की सुनने की। एंड बाय द टाइम उसने ये बात बताई, टाइम हो चुका था, हमें टॉक के लिए जाना था, सो द कॉन्वर्जेशन वॉज इंटरप्टेड और हम वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के टॉक के लिए गए। ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा हुआ, फिर हम वापस आए और फिर उसी व्यक्ति के साथ, उन्हीं प्रिंसिपल के साथ, ही सेड टॉक तो बहुत अच्छा था लेकिन मेरी स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई, मुझे अपनी स्टोरी कम्प्लीट करनी है। सो मैं तो बहुत खुशी से सुनना चाहती थी बिकॉज अभी तक की उनकी स्टोरी वॉज लाइक अ ड्रीम रन। लेकिन व्हेन ही रीच्ड दैट फेज वो कहता कि आगे सुनाना मेरे लिए मुश्किल है, एंड वो इतना इमोशनल हो गए, मैं उसको समझ नहीं पाई कि ये वही व्यक्ति है जिनसे मैं टॉक के पहले मिली और टॉक के बाद अभी वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि अभी मेरे मन में ऐसा फियर आ चुका है कि 2 महीने में मेरी रिटायरमेंट ड्यू है, और कहते इतना मुझे फियर है कि आफ्टर रिटायरमेंट मेरा क्या होगा, मैं जब तक अपनी चेयर पर हूँ लोग मुझे सर सर कहके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं जब तक इस चेयर पे हूँ तो मेरे सामने टेबल ऑफ एक्टिविटीज हैं जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जीक्यूट करनी है, जब मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी तब क्या होगा, मैं फैमिली के साथ कैसे रहूँगा, मैं कलीग्स के बिना कैसे रहूँगा, ये जो थॉट है पोस्ट रिटायरमेंट का थॉट इतना मेरे माइंड को हॉन्ट कर रहा है कि आई हैव लॉस्ट माई पीस। वो सचमुच जैसे एकदम इमोशनल ब्रेकडाउन की फेस में थे उस समय। और ये दोनों ही मीटिंग्स एक ही व्यक्ति की इतनी कॉन्ट्रास्टिंग थी कि मुझे भी उसको एब्जॉर्ब करना उस मोमेंट के लिए डिफिकल्ट लगा। सो फ्रेंड्स, लाइफ का पर्पस, ये मैं आपको इस यंग एज में ये एग्जांपल इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि लाइफ का पर्पस केवल जो करियर दुनिया समझती है उतना बनाना ही नहीं है। हाँ वो करना है, हाँ उसमें एम्बिशन रखना है, हाँ उसमें आगे बढ़ना है, हाँ अपने फैमिली को अच्छी तरह से सपोर्ट करना है, अपने लाइफ को अच्छा बनाना है, बट इट इज़ नॉट ओनली दैट। स्पिरिचुअलिटी हमको वो आइडेंटिटी से इंट्रोड्यूस कराती है कि जो आइडेंटिटी हमारी अपनी है। स्पिरिचुअलिटी हमें उस एनर्जी का एहसास दिलाती है कि जो एनर्जी हम खुद हैं, और ये एनर्जी, ये आइडेंटिटी फिजिकल पैरामीटर्स से इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट होने के नाते से ये आपकी अपनी हमेशा है। तो जब हम माइंड की बात करते हैं, क्या हमने माइंड को समझा, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट फेज में हमको अपने माइंड से मुलाकात कराती है, माइंड क्या है ये समझाती है। तो क्या हमने ये समझा कि माइंड क्या है? हम माइंड शब्द कितनी बार बोलते, माइंड योर माइंड, माइंड ओवर मैटर, मन मेरा एकाग्र नहीं होता, लेकिन मन है क्या? क्या वो इमेज हमारे पास क्लियर है? व्हाट इज दी माइंड? मैं आपको पूछूं ब्रेन क्या है तो एक इमेज आता है, ब्रेन क्या है तो एक इमेज क्रिएट होता है, वॉलनट शेप्ड इमेज। हार्ट क्या है तो एक इमेज आता, फिस्ट शेप का हार्ट। किडनी क्या है? बीन शेप। हमको पता है साइंस ने हमको सारे फिजिकल ऑर्गन सिस्टम्स की तो नॉलेज दी है, लेकिन माइंड क्या है? कोई इमेज है? सर्टनली इट इज नॉट द ब्रेन। ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। माइंड अर्थात हमारी वो स्पिरिचुअल एनर्जी है जिससे हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, और जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वो एक एनर्जी है जो हम रेडिएट करते हैं। और ये माइंड में कौन से थॉट्स क्रिएट करना और कौन से थॉट्स क्रिएट नहीं करना,
ये हमारी अपनी चॉइस है। लेकिन सबसे पहले हम माइंड को समझें तो सही, जो हमारी फिजिकल आइडेंटिटी है, नेम, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब हमारी फिजिकल आइडेंटिटी है। लेकिन इस फिजिकल आइडेंटिटी के साथ साथ हमारी एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी भी है, जिसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, कोई आत्मा कहता, कोई सोल कहता, कोई स्पिरिट कहता, कोई रूह कहता। लेकिन जब ये शब्द आते हैं तो हमें लगता है आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स, लेकिन ये हमारी ओरिजिनलिटी है। माइंड ये मेरी अपनी एनर्जी है, और जब इस एनर्जी को मैं रेडिएट करती हूँ तो वो एनर्जी मेरे लिए कितना काम करती है। तो सबसे पहले स्पिरिचुअल आइडेंटिटी हमको अपने माइंड की पहचान देती है कि मैं अपने थॉट्स को अपनी चॉइस से क्रिएट करती हूँ। और इसीलिए जब मैं ये चूज करूँ कि आई वॉन्ट टू क्रिएट थॉट्स ऑफ पीस, जब मैंने ये समझ लिया कि ये थॉट एनर्जी मेरी अपनी है और मुझे क्रिएट करना, तो मेरे पास वो चॉइस रहती है कि आई कैन क्रिएट थॉट्स ऑफ पीस, मैं वो पीसफुल थॉट्स क्रिएट कर सकता हूँ। और जो पीसफुल थॉट्स कंटिन्यूसली क्रिएट करने की आर्ट है, उसी आर्ट को नाम दिया मेडिटेशन। तो थोड़ा समय हम गाइडेड मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। यस, वी विल ऑल क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स, आई विल गाइड यू। आपको जो मैं बोलती हूँ उसको मुंह से रिपीट नहीं करना है, लेकिन मन में वो थॉट्स क्रिएट करने हैं। और हम सभी अपनी कलेक्टिव एनर्जी से एक बहुत पावरफुल कलेक्टिव एनवायरनमेंट बनाएंगे कि जो एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल है, बहुत पावरफुल है। आर यू ऑल रेडी? यस, करेंगे प्रैक्टिस। आप ये नहीं सोचना माइंड इधर उधर चला जाए, अगर डीविएट होता भी है तो जेंटली आप वापस जो यहाँ से थॉट्स दिए जा रहे हैं उन थॉट्स पर अपने माइंड को फिर से फोकस कर दीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स बी ऑल सीटेड कंफर्टेबली। फ्रेंड से कनेक्ट करना हो तो थोड़े समय बात कर लेते हैं। अभी अपने माइंड को अपना फ्रेंड बनाना है और अपने माइंड के साथ हमें कनेक्ट होना है, और इसीलिए सबसे पहले इससे डिस्कनेक्ट कर देना। हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग इवन ड्यूरिंग द टॉक लगे हुए थे कंटिन्यूसली, एंड ओके, मैंने सोचा शायद आपके लिए यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, एंड आई एम नॉट हियर टू फोर्स थिंग्स ऑन यू, बट हमारे दिल की ऐसी शुभ भावना है कि थोड़ा समय भी अगर हमारे माइंड को हम फोकस कर लेते हैं तो वो हमारी अपनी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस फॉर्मूला बन जाता। तो जो सक्सेस फॉर्मूला हमारे लिए वर्क करता वो आपसे शेयर करने के लिए हम आए हैं, एंड इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट कीप अवे योर ऑल फोन्स, गैजेट्स, बुक्स, एनीथिंग जो भी आपके पास है, थोड़ा समय के लिए आप उसको बेंच पर, डेस्क पर रख लीजिए। सारा फोकस आपका जो यहाँ से मैं थॉट्स दे रही हूँ, सीट कंफर्टेबली इरेक्ट, साइलेंट। और सबसे पहले अपने मन की जो एनर्जी है, जिसको हम थॉट्स कहते हैं, विचार कहते हैं, संकल्प कहते हैं, उसके बारे में अवेयर होते हैं। ऑब्जर्व कीजिए कि इन दीज मोमेंट्स ऑफ साइलेंस मेरे मन में कौन से थॉट्स चल रहे हैं। जस्ट ऑब्जर्व
your own thoughts. जैसे हम मन के विचारों को देखने लगते हैं, वैसे ही मन के विचारों की स्पीड स्लो होती है। और जैसे मन के विचारों की स्पीड स्लो होती है, जैसे ही एक स्पीडोमीटर पे स्पीड 100 से कम होते 80 पर आई, धीरे धीरे 80 से कम 60, 70 स्पीडोमीटर का इंडिकेटर 40 पर आता, 20 और अभी 10। अभी भी मन में थॉट्स जरूर हैं, लेकिन स्पीड मेरे अपने कंट्रोल में है। मेरा माइंड मेरी क्रिएटिव एनर्जी है और इस क्रिएटिव एनर्जी में आज बहुत सुंदर प्योर पॉजिटिव थॉट्स प्लान करते हैं। मेरे जीवन में मैं शांति के, पीस के एक्सपीरियंस के लिए स्पेस क्रिएट करता हूँ। ये मोमेंट्स ऑफ साइलेंस मुझे बहुत एम्पावर करते हैं। मेरी इनर एनर्जीज के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। स्टेबल, पीसफुल एंड साथ साथ मैं बहुत पावरफुल भी हूँ। मेरे मन में वो ऊर्जा है जो मैं हर सिचुएशन को पॉजिटिव एनर्जी से पास कर सकूं। मुझे लाइफ पर विश्वास है कि जीवन मेरे सामने केवल वो चुनौतियां लेकर आएगा जिसको फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ। इन शांति की घड़ियों में मेरा मन स्वतः अट्रैक्ट होता है सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी की ओर, जो एक डिवाइन एनर्जी है जिनको कोई गॉड, कोई लॉर्ड, कोई प्रभु, कोई ईश्वर कहता। स्वतः मेरा मन कनेक्ट होता है विचारों के जरिए उस सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ, और मुझे ऐसे महसूस होता जैसे चारों ओर एक डिवाइन पीस के वाइब्रेशंस हैं और मैं
पीस के वाइब्रेशन से सराउंडेड हूँ। इस डिवाइन बीइंग के नजदीक जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप को बहुत सिक्योर, बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ इस डिवाइन बीइंग के प्रेजेंस में। अभी भी मैं स्टेबल हूँ, साइलेंट हूँ, पावरफुल हूँ, लेकिन साथ साथ बहुत रिलैक्स और कंफर्टेबल हूँ। इस मेंटल एक्सरसाइज से मैं बेटर इक्विप्ड हूँ अपना नेक्स्ट असाइनमेंट, इंक्रीज फोकस और इंक्रीज एंथुजियाज्म से करने के लिए। और मैं अपने आप को ऐसी साइलेंस की फ्यू मिनट्स की गिफ्ट हर रोज देने के लिए इंस्पायर हूँ। जिन्होंने आंखें बंद की है जेंटली देखा लो अपनी आईज और फील करें एनवायरनमेंट के वाइब्रेशन में कोई चेंज है। देयर इज अ चेंज इन द वाइब्रेशन और ये चेंज हम सभी ने मिलकर तैयार किया और ऐसा ही गाइडेड मेडिटेशन का एक्सपीरियंस रोज डेली बेसिस पर थोड़ा समय भी अगर हम अपनी इंटरेस्ट से करते हैं तो उससे हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर टॉक फॉर टुडे। आप सभी ने पार्टिसिपेट किया उसके लिए आपको थैंक्स। एंड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आई वुड लाइक यू टू आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, नहीं तो फिर आप लाइन से रहेंगे। हम प्रसाद लेकर आए हैं आपके लिए तो वो लेते हुए जा सकेंगे, लेकिन बिफोर दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू आर वेलकम टू शेयर एनी क्वेश्चंस। नो क्वेश्चन। मेडिटेशन अच्छा लगा? आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगी। हाँ, मेडिटेशन अच्छा लगा? फोन से डिस्टेंस मेंटेन करने की आइडिया अच्छी लगी? सोने से पहले दूर रखेंगे? कितने दिन? ऑल लाइफ? वाओ, दैट्स अ बिग डील। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड इसमें आपका अपना बेनिफिट है, हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आप सक्सेसफुल करियर बनाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू। ओम शांति। और अभी आप आगे आएंगे और सभी प्रसाद लेकर ले जाएंगे। थैंक यू सर। Institute of Technology is the which provides quality education with the guidance of Sushant sir. For more information, please visit to Lakshya Institute of Technology, M4x46, Acharya Vihar, Bhuvaneshwar.